प्रथम तहलका न्यूज। फतेहाबाद इन दिनों गुंडागर्दी का गढ़ बनता जा रहा है। आए दिन यहां पर हत्या और लूट जैसी वारदातें सामने आती हैं। नया मामला भुना शहर से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े मार्बल विक्रेता को नकाबपोश बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। तीन नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत का माहौल बना दिया। ये तीनों बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं, तीन नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर आए। वारदात को अंजाम देकर ये बदमाश मौके से फरार हो गए, जबकि गंभीर हालत में विक्रेता को अस्पताल ले जाया गया। फायरिंग की इस वारदात के पीछे से इलाके में दहशत का माहौल है। तीन चार लड़के हैं। तो कैसे हो, कितनी गोली चली? दो चली गोली। हाँ। किसको लगी? बड़े सेठ को लगी, बड़े इसको। इसको किस जगह लगी? यहाँ से पकड़ा था मैंने। अच्छा। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लोगों की शिकायत के आधार पर बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। डीएसपी ने बताया कि आरोपी हमलावरों की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। पुलिस हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। गुना में अशोक का मार्बल एंड सैनिटरी हाउस है, इसमें दो भाई दुकान करते हैं, एक ईश और एक अशोक। उसमें दो अज्ञात व्यक्ति आए और उनको गोली मार के फरार हो गए हैं, और जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग टीमें भेजी हैं। हालांकि फायरिंग के घटना के पीछे की असल वजह साफ नहीं हो पाई। पुलिस भले ही बदमाशों को पकड़ने का दावा कर रही हो, लेकिन एक सच्चाई तो ये भी है कि इस तरह की घटनाएं पुलिस की लचर व्यवस्था को दर्शाती है। पुलिस की टीम पुख्ता सुरक्षा का दावा करती रह जाती है, लेकिन बदमाश अपना काम कर मौके से फरार हो जाते हैं। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।